हेलो फ्रेंड, आज का एडिटोरियल जिसका टाइटल है अ फ्लिकर ऑफ होप। फ्रेंड, होप मींस आप जानते हैं आशा होते हैं, और फ्लिकर मींस होता है कि जो शॉर्ट पीरियड के लिए हो, बहुत ही कम समय के लिए हो। तो एक ऐसी आशा जो बहुत ही जिसका पीरियड हो वो छोटा हो, उसको हम फ्लिकर ऑफ होप कहते हैं। फ्रेंड, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब इट। यहाँ आपको मिलता है संपूर्ण एडिटोरियल का संपूर्ण व्याख्या इन हिंदी। एक एक शब्द का आपको मैं हिंदी मीनिंग बताऊंगा, साथ ही साथ आपको मिलेगा जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरीज हैं, जहां भी आप देखेंगे इस एडिटोरियल में वहां मैं उसकी चर्चा करूंगा। तीसरा है जो जहां ग्रामर की रूल मुझे ज़रूरत होगी एक्सप्लेन करने की, मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सपेंशन ऑफ वैक्सीनेशन मस्ट बी अकॉम्पनीड बाय एफर्ट्स टू ट्रैक वायरस वेरियंट। कह रहे हैं फ्रेंड, सबसे पहले ये पेसिव वॉइस में है, तो मस्ट भी होना चाहिए क्या, जो एक्सपेंशन ऑफ वैक्सीनेशन है, जो वैक्सीनेशन जितना तेजी से आगे बढ़ रहा है, वो उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एफर्ट। और एफर्ट किस चीज़ के लिए, ट्रैक वेरियस वेरिएंट, जो COVID-19 का जो अलग अलग वेरिएंट आता है उसको ट्रैक करने का कोशिश, प्लस एक्सपेंशन ऑफ वैक्सीनेशन, दोनों साथ साथ होना चाहिए। इंडियाज काउंट ऑफ एक्टिव COVID-19 केसेस हैज हिट अ 6 months लो। ये कह रहे हैं फ्रेंड कि इंडिया में जो एक्टिव COVID-19 का केस है ये 6 महीने में सबसे नीचे आ गया है, विद द नंबर ड्रॉपिंग टू 3,162 अकॉर्डिंग टू फ्राइडे बुलेटिन फ्रॉम हेल्थ मिनिस्ट्री। ये कह रहे हैं भाई, जो हेल्थ मिनिस्ट्री के बुलेटिन के अनुसार जो फ्राइडे को है, ये जो इंडिया का एक्टिव COVID-19 केस है वो सबसे नीचे 6 महीने में चला गया, और कितना तक गया है, 3,162। हेल्प्ड बाय नियरली 56 करोड़ टेस्ट डन सो फार। ये कह रहे हैं फ्रेंड कि अभी तक जो 56 करोड़ जो टेस्ट हो गया है, उसके मतलब उसके बाद जो पॉजिटिविटी रेट और द परसेंटेज ऑफ दोज टेस्टेड हु टर्न आउट पॉजिटिव हैव ऑल्सो बीन शोइंग एनकरेजिंग ट्रेंड्स। ये कह रहे हैं फ्रेंड कि यहाँ जो ये 56 करोड़ जो अभी तक जो टेस्ट हुआ है, उसके साथ साथ जो पॉजिटिविटी रेट है, और साथ ही साथ जो परसेंटेज ऑफ दोज टेस्टेड हु टर्न्स आउट पॉजिटिव, और उसके बाद जितने भी लोग का टेस्ट हुआ है वो पॉजिटिव हुए हैं, वो सब मिला के जो ये एक ट्रेंड क्या दिखा रहा है, एनकरेजिंग उत्साहजनक ट्रेंड दिखा रहा है फ्रेंड। द वीकली पॉजिटिविटी रेट हैज बीन लेस देन 3% फॉर द लास्ट 91 डेज। ये कह रहा है कि जो वीकली जो साप्ताहिक जो पॉजिटिविटी रेट है COVID-19 का, वो कितना हो गया है, लेस देन 3% फॉर द लास्ट 91 डेज में वो 3% हो गया। एंड द डेली पॉजिटिविटी रेट हैज बीन अराउंड 2% फॉर द लास्ट 25 डेज। ये जो पिछले 25 दिन से जो डेली पॉजिटिविटी रेट है वो कितना हो गया, 2%, और वीकली पॉजिटिविटी रेट 3% हो गया फॉर द लास्ट 91 डेज। बट दिस इज नो टाइम टू बी कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मीन्स होता है सेल्फ सेटिस्फाइड फ्रेंड। लेकिन ये जो ऐसा समय नहीं है कि हम संतुष्ट हो जाए, ऐसा समय नहीं है कि हम बिल्कुल छोड़ दे सब कुछ, कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं है। ये दिस इज नॉट टाइम टू बी कॉम्प्लेसेंट। कॉम्प्लेसेंट मीन्स होता है सेल्फ सेटिस्फेक्शन या सेल्फ अप्रूविंग, जो हम अपने आप को कहते हैं जो अब हम संतुष्ट हो गए, ऐसा नहीं है। लास्ट सेप्टेम्बर मीन्स ये 2021 सेप्टेम्बर है, जो 2020 का जो सेप्टेम्बर है, एक्टिव केस इन इंडिया अपीयर टू हैव बीन पीक्ड एट अ लिटिल ओवर 10 लाख आफ्टर विच देर वॉज ए स्टीडी डिक्लाइन। ये कह रहे हैं फ्रेंड कि जो लास्ट सेप्टेम्बर 2020 की बात है, जो एक्टिव केस इन इंडिया जो था वो अपीयर टू हैव बीन पीक्ड, मतलब जो बिल्कुल पीक पे चला गया था एक्टिव केस, एट अ लिटिल ओवर 10 लाख, लगभग 10 लाख के करीब, 10 लाख से ज्यादा ही, आफ्टर विच देर वॉज ए स्टीडी डिक्लाइन, उसके बाद अचानक उसमें गिरावट आई थी। अराउंड दिसंबर 20 इट हैड जेंटली डिसेंडेड टू अ लिटिल ओवर 3 लाख। अब ये कह रहा है फ्रेंड कि दिसंबर 2020 के आसपास ये कहाँ तक नीचे गिर गया था, 3 लाख के करीब, और द लेवल लेवल सीन टुडे, और उसी लेवल
में आ गया था, जैसे कि आज का जो वो है, आज की जो सिचुएशन है उसी तरह सिचुएशन 2020 में, दिसंबर 2020 में हो गया था। अराउंड द सेम टाइम, लगभग उसी समय, द फर्स्ट रिपोर्ट्स ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसेस ऑफ द फाइजर बायो एंड टेक मॉडरेना एंड ऑस्ट्राजेनेका वैक्सीन्स ब्रॉट चेयर। ये कह रहे हैं फ्रेंड कि लगभग इसी समय में जो पहली बार ये रिपोर्ट किया गया था कि जो फाइजर और ये जो मॉडरेना है, मॉडरेना और ऑस्ट्राजेनेका है, उसका वैक्सीन का जो क्लिनिकल ट्रायल है सक्सेस हुआ था, जो कि एक खुशी की लहर आ गई थी उस समय। इवन इंडियाज होम ग्रोन वैक्सीन्स, इवन मीन्स उसी समय, जबकि जो भारत का जो भारत की जो अपनी वैक्सीन थी, सीम्ड टू बी अराउंड द कॉर्नर। अराउंड द कॉर्नर एक क्या है फ्रेंड, अराउंड द कॉर्नर है एक फ्रेजल सॉरी इडियम फ्रेजेज है, तो इसका मतलब होता है अबाउट टू हैपन। तो ये कह रहा है जो कि भारत के अंदर जो वैक्सीन हम लोगों ने बनाया था, वो भी उस समय ऑलमोस्ट मार्केट में आना स्टार्ट हो गया था। एंड ऑल दीज ट्रिगर्ड एन ऑप्टिमिज्म दैट इंडिया मे हैव पास्ट द वर्स्ट। और जितने भी ये जो वैक्सीन का जो क्लिनिकल सक्सेस ट्रायल था, जो क्लिनिकल ट्रायल सक्सेस हो गया था, ये सब एक तरह की आशा, एक तरह से आशा लाया था कि इंडिया, एक तरह से होप, ये ऑप्टिमिज्म था कि इंडिया अब जो है इस वर्स्ट सिचुएशन से पास्ट हो गया है। फ्रेंड, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इज वैल्यूएबल टू यू, प्लीज सब्सक्राइब इट। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहां आपको इंग्लिश से रिलेटेड कई सारे मटेरियल्स मिलेंगे, तो आप जरूर टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिएगा। एंड दिस इज योर यूट्यूब फैमिली, आप उसको बढ़ाइए, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, आप लाइक कॉमेंट कीजिए, और क्या चाहते हैं आप जरूर बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में लिख के। नेक्स्ट, द लैक ऑफ Alacrity इन हंटिंग फॉर न्यू म्यूटेशंस। Alacrity मीन्स होता है फ्रेंड की रेडीनेस, ईगरनेस। तो कह रहा है जो ये नए जो म्यूटेशन है कोविड-19 का, उसको हंट करने में, हंट मीन्स उसको खोजने में, या उसको उसको यूं कह ले जो कम करने में, जो ईगरनेस में जो कमी थी, वो अंडरलाइंग डेंजरस न्यू वेरिएंट। अंडरलाइंग मीन्स होता है क्या फ्रेंड की ऑन द बेसिस ऑफ समथिंग, कि जो अब आगे उससे कोई चीज ऐसा जिस पे बेसिस हो और आगे वो डैमेज बहुत ज्यादा करे। तो ये जो न्यू म्यूटेशंस है उस पर जाहिर सी बात है कि उसी बेसिस पे जो काफी वो नए नए वेरिएंट्स आए थे जो काफी डेंजरस था, मीन्ट दैट इंसीडियस एमरजेंस ऑफ न्यू डेल्टा वेरिएंट। कह रहा है इसका जो नया म्यूटेशन हुआ था जिससे न्यू वेरिएंट आया था फ्रेंड, और इंसीडियस, इंसीडियस मीन्स क्या होता है कि व्हिच इज स्लो बट वेरी हार्मफुल वे। तो ये जो डेल्टा वेरिएंट जो जिसका जो एमरजेंस हुआ था, जो जो आया था, वो काफी हार्मफुल था, व्हिच कॉज द कैटास्ट्रोफिक पीक इन मे, अप्रैल एंड मे। उस जो अप्रैल और मई में 2020-21 में वो काफी भयंकर डैमेज किया था, वॉज ओनली अंडरस्टूड इन हाइंड साइट। हाइंड साइट मीन्स क्या होता है फ्रेंड कि जब कोई चीज हो जाए उसके बाद समझ में आए, तो उसको हम हाइंड साइट कहते हैं। तो यह कह रहे हैं फ्रेंड कि नए म्यूटेशन को हंट करने में जो हमने कमी दिखाई, जो कि अंडरलाइंग डेंजरस न्यू वेरियंट था, और इसका मतलब उसी से क्या हुआ था, जो एमरजेंस ऑफ डेल्टा वेरिएंट, जो कि स्लो था लेकिन काफी डैमेज्ड किया, विच कॉज्ड द कैटास्ट्रोफिक पीक इन अप्रैल में, जो अप्रैल मई में डेल्टा वेरिएंट के कारण काफी नुकसान हुआ या काफी डैमेज हुआ, ये कब समझ में आया, वॉज ओनली अंडरस्टूड इन हाइंडसाइट। हाइंडसाइट जब हो गया तब समझ में आया जो ये न्यू म्यूटेशन है या न्यू वेरियंट है, न्यू म्यूटेशन से न्यू वेरियंट बना है। द नेचर ऑफ द वायरस, जो कि वायरस का जो नेचर है, इट्स प्रोपेंसिटी टू इवेड एंटीबॉडीज। ये कह रहा है जो इट्स मतलब ये वायरस के लिए आ रहा है, कोविड-19 के लिए, इसका जो झुकाव है, जो प्रोपेंसिटी मतलब इंक्लाइनेशन होता है आपका, जो नेचर होता है वो क्या है, एंटीबॉडी को इवेड करना, मतलब उससे बच निकलने का। एंड और द इनएविटेबल सोशलाइजेशन दैट नॉर्मल लाइफ इंटेल्स। अब जो इनएविटेबल मीन्स समथिंग व्हिच इज होना ही है, इनएविटेबल मतलब सर्टेन टू हैपन, कोई चीज होना ही है, तो ये जो सोशलाइजेशन है समाज में ये होना ही है, दैट नॉर्मल लाइफ इंटेल्स, जो नॉर्मल लाइफ हम लोगों का जो नॉर्मल लाइफ क्या है,
हम सोशलाइजेशन होंगे ही, इसका मतलब ये हुआ मीन्स दैट देर इज नो एब्सोल्यूट नाइडिर इन अ कंट्रीज पैंडेमिक ट्रेजेक्ट्री एट विच इट कैन बी श्योर दैट अ फ्रेश थ्रेटनिंग वेव विल नॉट बी राइज अगेन। फ्रेंड इसका प्रोनाउंसिएशन जस्ट आई एम कंफ्यूज, मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, राइट नाइडिर और समथिंग, इस द मीनिंग ऑफ दिस इज कि जो लोएस्ट पॉइंट होता है, राइट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। तो कह रहा है कि ये जो वायरस का जो नेचर है, जो कि एंटीबॉडीज से बच निकलने का, और दूसरा जो है जो हमारे जो नॉर्मल लाइफ में जो सोशलाइजेशन होता है, इसका मतलब ये हुआ जो कंट्री देर इज नो एब्सोल्यूट नाइदर इन कंट्रीज पेंडेमिक ट्रेजेक्ट्री, जो कंट्री जो देश में जो पेंडेमिक का जो सिचुएशन है उसमें कभी कोई एब्सोल्यूट लो पॉइंट नहीं आएगा, एट विच इट कैन बी श्योर दैट अ फ्रेश थ्रेटनिंग विल नॉट राइज अगेन। मतलब इसका मतलब ये है जो एक तरह से फ्रेश थ्रेटनिंग वेव विल नॉट नहीं आएगा, राइट। द 3 लाख एक्टिव केस लास्ट दिसंबर, जो ये कह रहा है जो 3 लाख जो लास्ट दिसंबर में जो एक्टिव केस आया था, सा अराउंड 300 डेथ्स बीइंग रिपोर्टेड एवरी डे, मतलब लगभग 3 लाख केस और 300 डेथ देखा जाता था एवरी डे। इवन टुडे दोज नंबर्स आर फेयरली सिमिलर, आज भी लगभग सेम है, मतलब जो नंबर आ रहा है लगभग सेम है। वेल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल इन लिमिटेड वे, ये कह रहा है भाई कि हम जो है इन्फेक्शन ऑफ जो COVID-19 है उसके फैलाव को सिर्फ कंट्रोल वे में, लिमिटेड वे में ही कंट्रोल कर सकते हैं। द अवेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन एंड द फैक्ट दैट मेनी लार्ज कंट्रीज नाउ आर गेटिंग क्लोजर टू हैविंग हाफ देयर पॉपुलेशन इनोक्युलेटेड विद एटलीस्ट वन डोज मीन्स दैट द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विद पैंडेमिक सीवियर डिजीज एंड डेथ विच इज मच मोर ट्रैक्टेबल देन द लास्ट ईयर। फ्रेंड ये बहुत ही लंबा सेंटेंस है, फिर हम उसको तोड़ के देखते हैं क्या हो सकता है मीनिंग। कह रहा है जो वेल द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कैन बी कंट्रोल इन लिमिटेड वे, कह रहा है कि जो भाई हम लिमिटेड वे में ही कंट्रोल कर सकते हैं जो इन्फेक्शन को फैलाव, इन्फेक्शन के फैलाव को। द अवेबिलिटी ऑफ द वैक्सीन, जो वैक्सीन का अवेबिलिटी होना, एंड द फैक्ट दैट मेनी लार्ज कंट्री, और ये भी एक सही सच बात है कि जो कई सारे बड़े कंट्री है आर गेटिंग क्लोजर टू हैविंग हाफ देयर पॉपुलेशन, बिल्कुल अपने नज़दीक आता जा रहा है किस चीज़ में, आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीन वैक्सीनेट करने में विद एटलीस्ट वन डोज, कम से कम एक डोज से तो वो अपने हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को तो वैक्सीनेट कर ही रहे हैं। मीन्स मतलब ये हुआ दैट द बिगेस्ट थ्रेट एसोसिएटेड विद द पेंडेमिक, ये जो पेंडेमिक के साथ जो सबसे बड़ा जो खतरा जुड़ा हुआ था, सीवियर डिजीज एंड डेथ, जो कि क्या था, डिजीज और डेथ था जो खतरा, इज मच मोर ट्रैक्टेबल देन लास्ट ईयर। ट्रैक्टेबल मीन्स कि आप कोई चीज को कंट्रोल में कर लेते हैं। तो कह रहा है कि जो पिछले साल से जो इस साल है कंट्रोल हम कर सकते हैं ज्यादा, बिकॉज करोर्स ऑफ इंडियन हैव बीन वैक्सीनेटेड, ये कह रहा है क्योंकि जो करोड़ों भारतीयों को वैक्सीनेट हो गया है, हम लोग का वैक्सीनेशन हो गया, आप लोगों में से कई लोग वैक्सीनेट हो गए होंगे, एंड द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैव ऑप्टिमिस्टिक प्रोजेक्शन, जो गवर्नमेंट का जो जितने भी ऑफिशियल्स हैं उसको उसका जो प्रोजेक्शन है, जो भविष्यवाणी एक तरह से है, वो पॉजिटिव मीन्स आशावादी भविष्यवाणी है कि दैट मोस्ट एडल्ट विल बी वैक्सीनेटेड विद एटलीस्ट अ सिंगल डोज बाय द ईयर एंड। कह रहा है जो अधिक से अधिक जितने भी एडल्ट्स हैं इस साल के अंत तक कम से कम एक डोज तो लग ही जाएगा COVID-19 का। देर इज अगेन एन एयर ऑफ ऑप्टिमिज्म, फिर भी वहाँ एक ऑप्टिमिज्म क्या है, एक तरह से हवा है आशा का, आशावादी होने का या आशा का। दिस टाइम इस बार हाउएवर द गवर्नमेंट मैसेजिंग इज मोर कॉशियस देन कॉशियस विद वार्निंग, अब इस समय जो गवर्नमेंट का जो मैसेज है वो बहुत ही सावधानी है, एक तरह से चेतावनी के साथ, दैट द सेकेंड वेव वॉज येट टू अबेट। अबेट मीन्स होता है कि अब कम करना, कोई चीज़ के इफेक्ट को कम करना। तो कह रहा है जो अभी भी सेकेंड वेव है और इसका इफेक्ट है, और अभी भी टाइम है उसके इफेक्ट को कम करने में।
एंड रिकमेंडेशन ऑफ कंटिन्यूड बिहेवियरल कॉशंस। अब ये जो अभी भी जो जो बिहेवियरल चीज है उसको, उसके रिकमेंडेशन को ये अभी तक चालू ही है, या आप यू कह लें जो रिकमेंडेशन ऑफ कंटिन्यूड बिहेवियरल कॉशंस, ये जो अभी तक कह रहा है जो 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी, तो ये सब अभी भी एक तरह से चेतावनी ही दे रहा है। दिस इज ऑल्सो अकम्पनीड बाई प्रोजेक्शन दैट, ये भी एक ये कह रहा है कि दैट एट इट्स वर्स्ट अ पॉसिबल थर्ड वेव कैनॉट बी एज कैटास्ट्रॉफिक एज द सेकेंड वेव पिक। अब ये कह रहा है कि ये भी एक प्रोजेक्शन है फ्रेंड, कि कितना भी वर्स से वर्स सिचुएशन आ जाए, ये थर्ड वेव मान लिया जाए आता भी है तो वो सेकेंड वेव के पिक की तरह डैमेज नहीं करेगा। इवन अकाउंटिंग फॉर सिग्निफिकेंटली मोर इन्फेक्शंस एंड लेथल वेरियंट सडनली इमर्जिंग। अब चाहे कितना भी इन्फेक्शन या फिर लेथल वेरियंट आ जाए अचानक, वो इतना डैमेज नहीं करेगा, क्योंकि करोड्स ऑफ इंडियंस और मोस्ट ऑफ द लार्ज कंट्रीज जो है इनोकुलेट कर दिया है अपने मोस्ट ऑफ द एडल्ट को और पॉपुलेशन को। दस टू एक्सपेंड वैक्सीनेशन एंड ट्रैक न्यू वेरियंट आर ओनली रियल वे फॉरवर्ड। अब कह रहे हैं फ्रेंड कि अभी का जो सिचुएशन है उसमें आप तो वैक्सीन को बढ़ा ही रहे हैं, इसके साथ साथ जो न्यू वेरियंट है उसको ट्रैक कीजिए, और यही जो है रियल वे फॉरवर्ड है, यही जो है भविष्य भविष्य में जो अच्छे आप कदम लेंगे, यही रियल वे फॉरवर्ड है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने आज का एडिटोरियल देखा। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब इट, लाइक शेयर एंड कॉमेंट, और इसी तरह से कीप लर्निंग। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, बाय बाय।